ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी और अब इस योजना को धरातल पर उतारने का काम रघुवर सरकार कर रही है और इसके लिए पाकुड़ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पाकुड़ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राइवेट डॉक्टर भी इस अभियान में शामिल होकर पीएम के सपने को साकार करने में लगे। इलामी पंचायत में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है और गर्भ के दौरान होने वाली परेशानी और जांच की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि इस अभियान के तहत 5 तरह के टेस्ट की हर अस्पताल में व्यवस्था की गई है। जांच कराने से जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा होती है। 9 तारीख प्रत्येक महीने का इसमें प्रधानमंत्री मातृ स्वास्थ्य अभियान हम लोग चलाते हैं, जिसको PSSMA बोलते हैं। ये विशेष रूप से जांच होती है गर्भवती माताओं का और उसमें जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसका हम लोग लाइन लिस्टिंग करते हैं ताकि उसका सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके। मातृत्व मृत्यु दर गर्भधारण और प्रसव के दौरान सबसे ज़्यादा है इसको, और बच्चे का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए सरकार ने ये योजना लाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं अपना सुरक्षित प्रसव करवा सके और मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। पाकुड़ जिले में 1 सदर अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 121 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा एक शहरी अस्पताल भी है। जन प्रतिनिधि भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हैं। क्योंकि गांव में जो महिलाएं होती है, शिक्षा की कमी बोले या जागरूकता की कमी बोले, इसके वजह से कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो ये नहीं करवाती हैं और जो काफी जरूरी है जच्चा बच्चा के स्वस्थ रहने के लिए, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, तो ये सब टेस्ट हम चाहते हैं कि वो ड्यूरिंग डिलीवरी वो करवा ले। प्रधानमंत्री की इस योजना को झारखंड में रघुवर सरकार धरातल पर उतारने में जुटी है। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का मुफ्त चेकअप किया जाएगा। इस अभियान से झारखंड में मातृ मृत्यु दर को काफी कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।